ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फैंटा है, ये ऋषभ फैंटा है जी, ये पूरा पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत, पंत इज बैक, दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वांट। 47 गेंदों पे 88, 8 छक्के, 5 चौके और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया बेचारे को। ऋषभ पंत ने घंटा बजा दिया पकड़ के गुजरात टाइटंस का। आखिरी ओवर में बंदे ने 31 रन मारे मोहित शर्मा को भाई, छक्के मार मार के उसने भूसा निकाल दिया है भाई। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। ऋषभ फैंटा है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, इसके पास कट शॉट है, इसका पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मारता है, पुठी स्वीप ये मार लेता है और बैट की स्वीप ये लड़का मार लेता है और डरता नहीं है और क्या बात है इसकी। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैच था टेस्ट है, तो आखिरी 3 यानी 18 बॉलों में 67, 12 बॉलों में 53, आखिरी ओवर में 31, 19वें ओवर में 22, ये है वन एंड ओनली ऋषभ पंत। किधर गए वो मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, बेटा इस तरह बैटिंग करनी होती है, ये इस तरह करनी होती है। वो किधर गया वो मौलवी रिजवान, वो एक्टर जो भाग गया सीरीज से ही, तो मैं तो इंजर्ड हो गया हूँ बेटा। विकेट कीपर तो इसे कहते हैं जो ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत आईपीएल बस पर, क्रिकेट प्रेमियों का घर। आज के विशेष एपिसोड में हम एक विशेष दृष्टिकोण में खो जाएंगे, पाकिस्तान मीडिया का नजरिया। हर दिन ऐसे कम उम्र खिलाड़ी को खेल में इतना तेज देखने को नहीं मिलता, विशेषकर आईपीएल के कुछ उच्च दबाव वातावरण में। चलो वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में क्या कह रहे हैं इस क्रिकेटिंग चमकदार के इनिंग्स पे। चाहिए मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं बेटा, ऋषभ पंत ने जो आज बैटिंग की है ना दिल्ली के लिए, 224 रन उसने मार दिए हैं बेटा, और ऊपर से अक्षर पटेल ने। कुछ अरसा ऋषभ पंत क्रिकेट से दूर रहे, हर बंदे ने ये सोचा कि शायद वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ऋषभ पंत की जो वापसी होगी वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत बॉलर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, अगर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। आखिरी ओवर मोहित शर्मा का, जिसमें 4 छक्के ऋषभ पंत ने लगा दिए, 31 रन 6 बॉलों पे लगा दिए, पहले बॉल पे 2 रन, दूसरा बॉल वाइड, उसके बाद जो है वो छक्का चौका छक्का छक्का छक्का, और वही ऋषभ पंत हमें दोबारा से नजर आया। वो हाथ का छूट जाना फिर भी बॉल बाउंड्री से बाहर चले जाना, वो घुटना टेक इस तरह से छक्का, वो एमएस धोनी की तरह जो ये घुमा के छक्का मारना, कोई ऐसा शॉट ऋषभ पंत इस एक्सीडेंट से पहले खेला करते थे और आज उन्होंने नहीं खेला। और क्या कमाल की यार बैटिंग की है, आप देखें 43 बॉले 88 रन, 5 चौके 8 छक्के, 204 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया जनाब ने, 204 के स्ट्राइक रेट से। अक्षर पटेल 43 बॉले 66 रन, 5 चौके 4 छक्के, उन्होंने भी कमाल की पारी खेली है। और साथ में स्टब्स ने 7 बॉलों में 26 रन, 3 चौके 2 छक्के, 371 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जितना मजा ऋषभ पंत की बैटिंग देख के आया ना, इतना मजा किसी की बैटिंग देख के नहीं आया। और वही जो आप पुराने वाला ऋषभ पंत हमें देखने को मिला, डेंजरस, जिसने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया हमें मतलब हैरान कर दिया है, सो अमेजिंगली परफॉर्म, मतलब लाइक यार वो बंदा रुक ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको जाके ठल्ला है, जिसको कहते हैं ना वो किया है, अदरवाइज अनबिलीवेबली परफॉर्म। तो जनाब ऋषभ पंत का नाम तो आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद, वैसे भी पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं ना उनको ऋषभ पंत का जो नाम है वो जुबानी हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा ऋषभ पंत क्रिकेट से दूर रहे, हर बंदे ने ये सोचा कि शायद वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ऋषभ पंत की जो वापसी होगी वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। डेविड मिलर ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, और तब वो कहते हैं ना कि गुजरात टाइटंस वो पिछली बार वाली, वो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस देता आ रहा है। एज मैटर नहीं करती, कॉन्फिडेंस, पैशन, आपकी प्रैक्टिस, वो कितना प्रैक्टिस करते आए हैं और कितनी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, ये मैटर करता है। ऋषभ पंत, पंत इज बैक, दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वांट। 43 गेंदों पे 88, 8 छक्के, 5 चौके और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया बेचारे को। और वो सोच रहा है कि भाई मैं, मुझे क्यों तोड़ा, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था जो मुझे छक्का चौका
फिर छक्का, फिर छक्का और फिर छक्का, इतने छक्के कौन मारता है यार। कि ही इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन टी20 क्रिकेट, ऐसी बॉलिंग के गेंस इस पिच पे रन करना। ऋषभ पंत ने घंटा बजा दिया पकड़ के गुजरात टाइटंस का, आखिरी ओवर में बंदे ने 31 रन मारे मोहित शर्मा को, भाई छक्के मार मार के उसने भूसा निकाल दिया है, भाई भूसा निकाल दिया नेहरा साहब का, 31 रन ऋषभ पंत ने मारे। और ये वो ऋषभ पंत है जिसका कमबैक या जिसने अपनी वो इंसिडेंट के बाद अभी आईपीएल में क्रिकेट का कमबैक किया है। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत बॉलर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, अगर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। आखिरी ओवर मोहित शर्मा का जिसमें 4 छक्के ऋषभ पंत ने लगा दिए, 31 रन 6 बॉलों में लगा दिए, पहले बॉल पे 2 रन, दूसरा बॉल वाइड, उसके बाद जो है वो छक्का चौका छक्का छक्का छक्का। का मैच देखा होगा आपने, आईपीएल क्रिकेट देखी होगी। आज जो गुजरात और दिल्ली के दरमियान मैच है, मतलब आईपीएल का यंग टैलेंट साई सुधार्सन ने जिस तरह की बैटिंग किया, मतलब अकेला मैच लेकर चला गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल, ये है आईपीएल का टैलेंट, इसे कहते हैं। मैं पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा, इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में कोई एक यंगस्टर प्लेयर जिसको अभी अभी चांस मिला हो इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है? तो ऋषभ पंत कमाल कर दिया आज, जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात टाइटन दे वर क्रूजिंग, दे वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम, मतलब 5-6 ओवरों में 44-45 ये पावर प्ले गया है और आखिरी 2 ओवरों में 50 के ऊपर काम डल गया। आखिरी 2 ओवरों में फैबुलस हिटिंग, स्टंप्स भी बड़ा अच्छा साथ दिया, 7 गेंदों पे 26 रन, 2 छक्के 3 चौके, और क्या चाहिए। अक्षर पटेल की आज प्रमोशन की, उसने भी अच्छी इनिंग खेल के गया, वो 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप के साथ वो इन्वॉल्व था ऋषभ पंत के साथ, और फिर उसके आउट होने के बाद अच्छा हुआ जी स्टब्स भी आ गया, क्योंकि स्टब्स हमें पता है कि बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत तेज खेल रहा है, और इस पूरे आईपीएल में स्टब्स ने अपना जलवा दिखाया हुआ। की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए मेरे दुमान से उसका नाम नहीं लिया जा रहा, मतलब साई सुधार्सन, मतलब वो कहते ना कि अभी जितने जितनी परफॉर्मेंसेस देता जाएगा ना तो फिर जुबान के ऊपर उसका नाम वैसे वैसे आता जाएगा, लेकिन क्या इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने बता दिया है कि इंडिया का जो पिच स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जिस तरह वो प्ले डेवलपमेंट में अपने प्लेयर लेके आते हैं, वो आगे स्टार बनाते हैं। यही तो देखे इंडियन क्रिकेट की यही सबसे अच्छी बात है कि वो अपने प्लेयर को डोमेस्टिक में जितना पॉलिश करता है ना, इतना आईपीएल में भी नहीं होता वो बंदा पॉलिश। और वही ऋषभ पंत हमें दोबारा से नजर आया, वो हाथ का छूट जाना फिर भी बॉल बाउंड्री से बाहर चले जाना, वो घुटना टेक इस तरह से छक्का, वो एमएस धोनी की तरह जो ये घुमा के छक्का मारना, कोई ऐसा शॉट जो मुझे मैंने मिस नहीं किया जो ऋषभ पंत इस एक्सीडेंट से पहले खेला करते थे और आज उन्होंने नहीं खेला। और क्या कमाल की यार बैटिंग की है, आप देखते हैं 43 बॉलें 88 रन 5 चौके 8 छक्के, 204 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया जनाब ने, 204 के स्ट्राइक रेट से। स्टार्ट में जो है वो इतना जो है ज्यादा रन नहीं था, हमने देखा कि जो है कोई जो है 5 ओवर्स में कोई बहुत ज्यादा रन नहीं थे, 44 रन थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 224 बना लेना 4 विकेटों के नुकसान पे, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है ऋषभ पंत की, और साथ में जो है वो अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल 43 बॉलें 66 रन 5 चौके 4 छक्के, उन्होंने भी कमाल की पारी खेली है, और साथ में स्टब्स ने 7 बॉलों में 26 रन 3 चौके 2 छक्के 371 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जितना मजा ऋषभ पंत की बैटिंग देख के आया ना, इतना मजा किसी की बैटिंग देख के नहीं आया। लग रहा है ये बंदा, भाई मैं लिख के देता हूं कहीं चिपका लो लगा लो इस बंदे को, अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए वर्ल्ड कप में, या वर्ल्ड कप की पक्की 11 में होना चाहिए। मैंने 2018-2019 वाला ऋषभ पंत देखा है, खुदा की कसम ये वो ऋषभ पंत है, ये वो ऋषभ पंत है भाई, इसकी रेंज में बाल दो, इसकी रेंज से बाहर बाल दो, ये छक्का ही मारेगा, ये मैंने वो ऋषभ पंत देखा है, लिख के देता हूं। आपको पता है जितने बंदे मुझे देखते हो, या मुझे छोड़ दो बाढ़ में गया यार, मैं आप ऋषभ पंत की बात करो, जितने बंदे ऋषभ पंत को जानते हो, जितने बंदे भी 2018-2019 वाला ऋषभ पंत आपने देखा होगा, ये वो ऋषभ पंत है। इट्स नाइस फॉर दिल्ली कैपिटल, इट्स नाइस फॉर स्टब्स कि उसको भी मौका मिल गया। तो पिछले मैच में मैं क्रिटिसाइज कर रहा था ऋषभ पंत को, देखिए जब एक प्लेयर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छा करे और वो अच्छा कर सकता है और उसमें सलाहियत होती है जब, तो वो 35 गेंदों में फिर 44 करे, जब आप 270 चेस कर रहे हो, 265-66 जो भी था वो चेस कर रहे हो, तो वो बात चुभती है, वो बात डाइजेस्ट नहीं होती, वो बात हजम नहीं होती कि यार याद होना कि चलो एक बंदे में दम ही नहीं है, वो क्या चौके छक्के मारेगा, तो चलो ठीक है 30-32 गेंदे खेली 40-42 किया काम खत्म हो गया। तो पिछले मैच में मैंने जो ज्यादा क्रिटिसाइज किया उसके पीछे वजह यही थी कि इस बंदे में दम है, ये चौके मार सकता है, ये छक्के मार सकता है,
तो देयर इज नो रीजन कि आप इस तरह खेल के जाएं। यही मैं बकवास करता रहता हूं बैठ के, तो पहले प्लेयर का टैलेंट देख लिया करो कि वो किन बॉलर्स के खिलाफ या किस प्रेशर सिचुएशन में। अब आईपीएल में जो क्रिकेट होती है उसमें प्रेशर भी इतना होता है, उसमें ग्राउंड फुल होते हैं यार। पीएसएल के ग्राउंड क्या होते हैं, 20-25 हजार अंदर कैपेसिटी होती है बैठने की। अब आईपीएल के मैचेस देखा करो, 70-80 हजार बंदा बैठा होता है ग्राउंड में। ये वाला जो प्रेशर होता है ना, इसके अंदर खेलने का अलग ही मजा होता है, अलग ही आपको ये इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा देकर जाता है। और आईपीएल क्रिकेट की बात हो रही हो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर इस लीग में खेल रहे होते हैं, तो इससे अच्छी इनिंग मुझे नहीं लगता कि कोई यंगस्टर खेल के जाएगा। ऋषभ पंत मतलब जिस तरह है, वो कहते हैं ना लड़के आए हैं, वो फाइटर लड़के हैं ऋषभ पंत। मैंने ऋषभ पंत को जितना भी खेलते देखा हुआ है, और गाबा देखे ऋषभ की जब भी बात करते हैं, गाबा वाला टेस्ट माइंड में आ जाता है, वो गाबा वाली इसकी 89 समथिंग इनिंग थी वो माइंड में आ जाती है। मतलब क्या उसने नेशनल लाइन को कहते ना कि वो बकरी बना के धोया था। उनके आवाजों में समर्पण सुनाई दे रहा है, ऐसे पल है जो हमें याद दिलाता है कि क्रिकेटिंग हम सबको एक साथ जोड़ती है, क्रिकेट कोई सीमा नहीं मानती। उम्मीद है आपको ये प्रतिक्रिया उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे। आपका प्यार और समर्थन ही है जो इस चैनल को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूले, ताकि हम आपको और ऐसे दिल को छू जाने वाले प्रतिक्रिया ला सके। अगली बार तक क्रिकेट का जज्बा जिंदा रखिए। जय हिंद और खुश रहिए।